हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का अपने YouTube चैनल पर मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और मैं आज आ गया हूं छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर ज़िले में, और ये है सामरी पार्ट का एरिया जहां बॉक्साइट का खनन होता है। तो आइए हम कुछ और विशेष बातों को जानें। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूं पार्ट एरिया के ऊपर, और आप देख सकते हैं ये निचले स्तर नहीं है, वरन पहाड़ों के ऊपर बसा कहना चाहिए एक ऐसा एरिया जिसे हम पार्ट कहते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे, और यहाँ बादल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और घूमने में तो काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप यहाँ आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देर नहीं करते हुए मैं आपको सीधा उस जगह पर ले आया हूँ जहाँ बॉक्साइट का खनन हो रहा है। वैसे तो इस पार्ट एरिया में बहुत ही स्थान पर बॉक्साइट का खनन हो रहा है, लेकिन मुझे ये जगह अच्छा लगा इसलिए मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ। चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और जेसीबी वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ जेसीबी बॉक्साइट लोड कर रही है, और आप एक जेसीबी को देख सकते हैं कि उसमें ड्रिल लगा हुआ है और वो खोदने का काम कर रही है, ड्रिल करने का काम कर रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी मजदूर लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ जो आप बड़े बड़े पत्थरों का ढेर देख रहे हैं, ये बॉक्साइट हैं जो कि बड़े बॉक्साइट हैं, और इन्हें छोटा कर दिया जाएगा। और इधर भी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी एक छोटे से एरिया में काम चल रहा है, तो मैं इस एरिया को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां की आप कार को देख सकते हैं, बहुत ही धीरे गति से कर रहे हैं ताकि अच्छा काम हो सके। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मिट्टी को हटाया जाता है, और फिर जो नीचे का परत होती है, जो लेयर होता है जहाँ बॉक्साइट होता है, उसमें फिर खनन किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से खनन किया जा रहा है, इसे आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बॉक्साइट को तोड़ने का यहाँ कार्य कर रहे हैं, ताकि जब ये छोटा हो जाए तो जो मजदूर हैं वो उसे और भी छोटे बॉक्साइट का रूप दे सकें, इसलिए उसे फोड़ने का इस तरह का तरीका ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटे छोटे जो अब ढेर दिख रहे हैं, वो भी बॉक्साइट के छोटे छोटे पत्थर हैं जो रखा गया है। मैं आपको दिखा दूं आगे के एरिया में भी बड़ी रीति से काम चल रहा है, आप आसानी से उसे भी देख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ छोटे पत्थर का कलेक्शन है, तो वो भी बॉक्साइट ही हैं। और सबसे पहले जो छोटे बॉक्साइट हैं उसे ही ट्रक द्वारा ट्रक में लोड किया जाता है, और वो आगे जाकर निर्यात होगा। दोस्तों, फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो गाड़ी है, जो जेसीबी है, उसे उठाई है और फिर उसे फोड़ने के लिए जा रही है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जब ये पत्थर छोटे हो जाएं तो जो मजदूर हैं वो उनको एक छोटा आकार दे सकें, उसके लिए ऐसा किया जाता है। और होता ये है कि यहाँ जो भी आप जो गाड़ी देख रहे हैं, जो डंप कर सकती है गाड़ी, वो यहाँ से बॉक्साइट लेकर दूसरे एरिया में, केवल पार्ट एरिया में ही जहाँ मजदूर हैं वहाँ डंप करती है, ताकि वहाँ के मजदूर फिर उसे छोटे पत्थरों के रूप में, बॉक्साइट के रूप में उसका आकार दे सकें। यहाँ ये देखा जाता है कि जो मजदूर हैं उन्हें भी काम मिल सके, इसलिए इस तरह का कार्य किया जाता है कि कोई भी जो डंप किया हुआ गाड़ी से सीधा निर्यात नहीं किया जाता, सीधा बॉक्साइट को पहुंचाया नहीं जाता कहीं जहां ट्रेन के द्वारा ये बॉक्साइट जाए, वरन इसे पहले मजदूरों के द्वारा छोटा किया जाता है, और फिर वही लोग ट्रक में उसको भरते हैं, और उसके बाद ट्रक कहीं जाकर रेलवे स्टेशन जाएगी, और वो फिर मालगाड़ी के द्वारा जो बॉक्साइट है वो आगे बढ़ेगा। तो देख सकते हैं आप, सीन काफ़ी अच्छा है, ये लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये है मजदूर जो काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े पत्थरों जो हैं उसे छोटे छोटे आकार दे रहे हैं, और एक जगह उसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी अगर आप यहाँ आते हैं, मैं बता दूं आपको, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, ये एरिया ही ऐसा है। अब मैं आपको एक ऐसे एरिया को दिखा रहा हूँ जहाँ बॉक्साइट का खनन हो चुका है, और उसमें दोबारा से फिर मिट्टी को पाट दिया जाता है। तो दोस्तों, ये पूरे एरिया देख सकते हैं, पूरे लाल हो गए एरिया, क्यों, पूरा बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ।
और हर जगह जो सामरी पार्ट का एरिया है, आप बहुत से जगह आप देखेंगे कि इसी तरह के आपको दृश्य दिखाई देंगे, और हर जगह आपको बड़े बड़े गाड़ियाँ दिखाई देंगी, ट्रक वगैरह दिखाई देंगे। और आप देखते हैं कि यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह का कार्य चल रहा है। तो फ्रेंड अब मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं इस एरिया में भी कहना चाहिए कि बॉक्साइट का खनन हो चुका है और बाद में उसे फिर से पाट दिया गया है ताकि चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं ये जो घेरा किया हुआ एरिया है इस पे बॉक्साइट का खनन हो चुका है। तो फ्रेंड यहाँ होता ये है कि बॉक्साइट खनन करने के बाद ये लोग वहाँ फिर से पेड़ पौधे उगाते हैं ताकि वातावरण अच्छा रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।